मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। जिस नूपुर ने तकेंद्र को आपने अपने बच्चे की तरह पाला है, उसे टूटते हुए देखने का ख्याल ही आपके को इतनी तकलीफ दे सकता है। अब्बा जी, आप मेरा यकीन मानिए, इस चुनौती को स्वीकार करके मैंने कोई गलती नहीं की। जानवी बेटा, तुमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है, लेकिन तुम्हारी इतनी मेहनत के बावजूद अब तक सिर्फ 10 बच्चे आए हैं और फिर 100। जानवी बेटा, ये चुनौती जीतना असंभव है। राधा जी, आपने इतने सालों से इस नूपुर नृत्य केंद्र को हर मुश्किल से संभाला है, तो आज बिना कोशिश किए आप हार मान रही है। हार माननी पड़ रही है बेटा, हालात ने मजबूर कर दिया है। हम साथ मिलकर इन हालातों का सामना करेंगे। हमारे पास 1 महीने का वक्त है, हमें बेबस नहीं होना, हमें इस मजबूरी को बेबस करना है। राधा जी, शून्य से हमने 10 बच्चों को इकट्ठा किया है, अब देखना हम 10 का सहारा लेकर 100 तक जरूर पहुंचेंगे। अब इस नूपुर नृत्य केंद्र में घुंघरू की झनकार कभी बंद नहीं होगी, कभी नहीं। से बनारस से आप आए हो सफर करके, थक गए होगे हैं? थोड़ा आराम करो, चलो मैं आपको कमरा दिखाता हूँ। आओ आओ दीदी जी, आओ। चल बेटा, कितने जाना है, केड़ा कमरा है? रसीली भाई, आपकी साड़ियाँ धोकर इस्त्री कर दी है, यहाँ रख दूँ? अलमारी में रख दूँ। अपनी विधवा बहू को इतना तो समझाना चाहिए। हो गया ना, अब सर पे क्यों खड़ी हो? वो आपसे कुछ कहना था। क्या है? आपके पास इतनी सारियां है? मेरे जरूरत के हिसाब से काफी है, तुम्हें क्या परेशानी है? क्या रसीली भाई, जरूरत के हिसाब से तो वो लोग चलते हैं जिनके पास पैसे ही नहीं होते। आपके पास तो कितने सारे पैसे हैं, अगर आप चाहे तो रोज नई साड़ी पहन सकती है। और फिर अभी आपकी उम्र भी तो है सजने सवरने की। बुरा मत मानिए रसीली भाई, लेकिन आपके जेवर कितने पुराने हो गए। पवित्रा को देखिए, वो तो हमेशा नई फैशन की साड़ी और जेवर पहनती है। रसीली भाई, पवित्रा आपको इतना मानती है, आप उसके साथ शॉपिंग करने जाती हो, कभी आपने अपने लिए कुछ ले लिया तो वो मना थोड़ी करेगी। नहीं नहीं, ना बुरा मानेगी ना मना करेगी, पर मैं ही कुछ नहीं कहती, मुझे लगता है मेरे पास काफी कुछ है। नहीं रसीली भाई, जितनी आप अमीर है उस हिसाब से तो आपके पास कुछ भी नहीं है। मैं मानती हूँ कि आज आप पवित्रा के साथ शॉपिंग करने नहीं जा पाए, लेकिन अब जब वो घर आएगी ना, तब आप उससे पैसे ले ही लेना और फिर जम के शॉपिंग करना, नई फैशन की साड़ियाँ जेवर वो पहन के अपने आप को आईने में देखिए रसीली भाई, क्या सुंदर लगती है आप। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा ये नूपुर नृत्य केंद्र हमसे ठीक 1 महीने बाद छीन लिया जाएगा।
मैं जानती हूँ आप सबके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, क्यों, कैसे, कौन कर रहा है ये सब। आप सब ये बात जानते हैं कि हमारे गांव का आधुनिकीकरण होने वाला है और हमारे इस आधुनिकीकरण की कीमत हमारे इस निपुण नेत्र केंद्र को खोकर चुकानी पड़ेगी। जो कंपनी आधुनिकीकरण करने वाली है वो इस निपुण नेत्र केंद्र को तोड़कर यहाँ एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बनाने वाली है। लेकिन यही जगह क्यों जानवी जी? हाँ हाँ, शॉपिंग मॉल तो कहीं और भी बन सकता है, फिर यही क्यों? आपके इन सवालों का जवाब तो मेरे पास भी नहीं, लेकिन मैं एक बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि हम सब मिलकर इस निपुण नेत्र केंद्र को बचा सकते हैं और हमें बचाना होगा। पर मैडम जी, इसे बचाने में हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? देखो, ये पांच उंगलियां अलग अलग है, कमजोर है, लेकिन जब इस साथ में मिल जाती है तो एक मुट्ठी बन जाती है, एक ताकत बन जाती है। बस ऐसे ही मिलकर हम सबको एक ताकत बनना है। हमें एक चुनौती मिली गई है कि हमें एक महीने में 100 बच्चे इकट्ठे करने हैं। एक महीने में 100 बच्चे इकट्ठे करना ये मेरे लिए और राधा जी के लिए नामुमकिन है। इसलिए मैंने आप सबको यहाँ पे बुलाया है, क्योंकि मैं आप सबकी मदद चाहती हूँ। आप सब मिलकर राधा जी का सपना टूटने से बचा सकते हो। आप सब अपने जानने वालों को बताइए, इस कला का सही मतलब समझाइए, ताकि वो अपनी बेटी को यहाँ भेजे इस नृत्य केंद्र में। समझ लीजिए कि इस कला को हर एक नए बच्चे के रूप में एक नई सांस मिलेगी। तो क्या इस निपुण नृत्य केंद्र को बचाने में आप सब मेरा साथ देंगे? ये लो पवित्रा, नींबू पानी, तुम्हारी थकान 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। लो। हाँ दीदी, बहुत थक गई हूँ मैं। आज मैं इतना घूमी हूँ। मैंने ना आज बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ खरीदी हैं। आप देखेंगी? हाँ हाँ, जरूर देखूंगी। बैठिए ना। ये देखिए, बहुत सुंदर है। ये देखिए, बहुत अच्छी है ये भी। पवित्रा, बहुत महंगी होगी ना? मैं महंगी और सस्ती के बारे में नहीं सोचती, मुझे जो पसंद आती है मैं ले लेती हूँ। पवित्रा, मैं कुछ कहना चाह रही थी। कहिए ना। तुम्हें अपनी ये पैसे खर्च करने की आदत को रोकना चाहिए। मैं तुम्हें बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं, पैसा उन्हीं के पास टिकता है जो पैसे की कदर करते हैं, उसे संभाल के रखते हैं। और फिर तुम खुद भी जानती हो ये सब कुछ युवराज के नाम करने के लिए तुमने कितनी मेहनत की है, तो तुम्हें ये पैसे संभल के खर्च करने चाहिए ना। और फिर अब तुम्हारी जिंदगी में नमन भी है, तो तुम्हें सबसे ज्यादा नमन के भविष्य की चिंता करनी चाहिए। दीदी, मेरे पास इतने सारे पैसे हैं कि मुझे नमन के भविष्य के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ पवित्रा कि आज तुम्हारे पास इतने सारे पैसे है, लेकिन अगर तुम यूं ही पानी की तरह पैसा बहाती रही, और फिर महंगाई भी तो बढ़ रही है ना, ऐसा भी हो सकता है कि आज के 1,000 रुपए की कीमत नमन के बड़े होते होते 1 रुपए की कीमत जितनी हो जाए। मैं जानती हूँ तुम्हारा हाथ खर्चीला है, लेकिन नमन के भविष्य के लिए तुम्हें अपनी इस आदत को रोकना चाहिए ना। आपकी बात ना बिल्कुल ठीक है, पर मैं क्या करूँ, अपनी इस आदत को कैसे रोकूं? क्या पवित्रा, कोशिश करोगी तो रुक जाएगी। और अब
तुम अकेली नहीं हो ना, तुम पे नमन और रसीली बाई की जिम्मेदारी भी तो है। नमन तो फिर भी तुम्हारा अपना खून है। और सच कहूं पवित्रा, आज के कलयुग में ना अगर पैसा ना हो तो सिर्फ खून के रिश्ते ही साथ निभाते हैं, बाकी सब तो साथ छोड़ के चले जाते हैं। मैं ये सब तुम्हें इसलिए कह रही हूं क्योंकि तुम मेरी भाभी हो, मेरे भाई की पत्नी हो। इस नाते हमारे बीच खून का रिश्ता ना सही, लेकिन एक मजबूत रिश्ता तो है। आगे तुम खुद ही समझदार हो, सब समझती हो। जी, मैं आपके साथ हूँ। हाँ हाँ जानवी जी, मैं भी आपके साथ हूँ। हम सब आपके साथ हैं। हम अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान वालों को समझाएंगे, मनाएंगे, वो अपनी बेटियों को ये कला सीखने जरूर लाएंगे। हाँ हाँ दीदी, हम भी आपके साथ हैं। अब जब आप सब मेरे साथ हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ शॉपिंग मॉल नहीं बनेगा। ये नुपुर नृत्य केंद्र था, है और हमेशा रहेगा। सरस्वती जी, छोटी माँ, सब देख रही हूँ मैं। तुम रसीली बाई और पवित्रा के साथ क्या खिचड़ी पका रही हो, सब समझ में आ रहा है मुझे। नहीं छोटी माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो मैं बस पवित्रा को समझा रही थी कि इस तरह ज्यादा पैसे खर्च ना करें। मैं भी तुम्हें कुछ समझाना चाहती हूं। अगर तुम रसीली बाई और पवित्रा से जीतना चाहती हो ना, तो अपनी इस घबराहट पर काबू पाना सीखो। छोटी माँ आप? हाँ सरस्वती, घबराओ मत, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। जो कोशिश तुमने शुरू की है वो कोशिश मैं बहुत पहले शुरू कर चुकी हूँ। रसीली बाई और पवित्रा के बीच में दरार पैदा करके ही हमें अपना ये घर और सारी जायदाद वापस मिल पाएगी। अब इस कोशिश में हम दोनों साथ हैं। आ गई मीजान, बहुत थकी लग रही हो, लगता है खूब खरीदारी करके आई हो। कुछ खास नहीं रसीली भाई, थोड़ी साड़ियां ली हैं अपने लिए। मेरी जान, मैं सोच रही थी मैं अपने लिए भी थोड़ी साड़ियां और जेवर खरीद लूं। मुझे 50,000 रुपए दे दो। 50,000? हाँ मेरी जान, 50,000 रुपए। पर रसीली भाई, 50,000 में क्या आप सारी दुकान खरीदना चाहती हैं? तुम तो जानती हो कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। 50,000 में 5-6 साड़ियाँ आएंगी बस। यही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ रसीली भाई, कि कितनी महंगाई बढ़ गई है, हमें सोच समझ कर पैसे खर्चने चाहिए। यूं ही
पानी की तरह नहीं बहाने चाहिए। लेकिन मेरी जान, अभी तो तुमने अपने लिए इतनी खरीदारी। हाँ रसीली भाई, इसलिए मैंने सोचा कि एक दो महीने तक कुछ नहीं खरीदना है, इन फालतू चीजों में पैसे नहीं डालने। हम जितने पैसे बचाएंगे उतने तो जमा होंगे ना। मेरी जान, आज हमें पैसों की क्या कमी है? रसीली भाई, यही प्रॉब्लम है आपकी। आप आज के बारे में सोचती हैं, कल के बारे में नहीं। नमन के भविष्य की जिम्मेदारी मुझ पर है, मेरा बेटा है वो। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, हर महीने की खरीदारी का बजट बनाती हूँ। नहीं मेरी जान, मुझे अभी और इसी वक्त पैसे चाहिए। मेरी ये साड़ियाँ और ये जेवरात बहुत पुराने हो चुके हैं। तो क्या हुआ रसीली भाई, एक महीना और पहन लो। मैंने फैसला कर लिया है, हम नई खरीदारी अगले महीने करेंगे। तुम मुझे मना कर रही हो? मुझे जिसने कदम कदम पे तुम्हारा साथ दिया? अगर मैं नहीं होती तो तुम आज इस गरोड़िया परिवार की मालकिन बनकर नहीं बैठी होती। इन सारी बातों में इन बातों का क्या लेना देना? लेना देना है मेरी जान, लेना देना है, क्योंकि बात लेन देन की है। और इस रिश्ते में रसीली ने सिर्फ क्या है, हर कदम पे तुम्हारा साथ दिया। आज अगर युवराज तुम्हारे साथ है तो वो मेरी वजह से है। युवराज से तुम्हारी शादी से लेकर नमन के पैदा होने तक कदम कदम पे मैंने तुम्हारा साथ दिया। इस सीने में मैंने तुम्हारे कई राज छुपा के रखे मेरी जान, और कुछ राज तो इतने बड़े हैं कि मैंने अगर अपना मुंह खोल दिया ना तो ये तुम्हें सांप की तरह निकल जाएंगे। ये याद रखो कि ये पैसे युवराज के हैं, और जिस राज का सहारा लेके ये पैसे तुम उससे ऐंठ रही हो ना, उस राज में तुम्हारी हमराज मैं हूँ। No.